अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में आपको एक बेल आइकन देखेगा उस पर क्लिक करिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और कमेंट करना तो बनता है यार। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो आप एंड्रॉयड के एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, ऐसे फेवरेट एप्लीकेशन के बारे में जिसने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान कर दिया, जिसका नाम है व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, तो व्हाट्सएप के बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो व्हाट्सएप का एक जो ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब से व्हाट्सएप आया है उसने हमारी लाइफ को बहुत ही काफ़ी इजी कर दिया है। हमने किसी से कुछ मंगवाना हो, फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, किसी तरह का कोई जानकारी हो, किसी तरह की कोई जानकारी हो, कुछ भी शेयर करना है तो ईज़िली हम उसको शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। काफ़ी इजी हो चुकी है हमारी लाइफ। और व्हाट्सएप कंपनी जो है वो हमारी हेल्प के लिए नए नए फीचर व्हाट्सएप में ऐड करती रहती है। अगर आपको याद होगा तो पिछले ही साल उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन फीचर व्हाट्सएप में ऐड किया था, जिसका नाम है व्हाट्सएप स्टेटस। जी हाँ, उन्होंने भी व्हाट्सएप स्टेटस लॉन्च किया था पिछले साल, जो कि बहुत ही कामयाब रहा और लोगों ने बहुत ही जमकर उसका यूज़ किया और अभी भी कर रहे हैं। मैं खुद करता हूँ, आप भी करते होंगे। तो जो व्हाट्सएप का स्टेटस है उसमें आप अपने वीडियोस को, अपने फोटोज़ को पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं आप आज की जो ये वीडियो है इसमें जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ही, ये जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसके एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपके साथ हमेशा ऐसा होता होगा कि आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आप कुछ ऐसा स्टेटस डालते होंगे, कुछ ऐसी स्टेटस में वीडियोज़ या कुछ इमेज ऐसे डालते होंगे जो आपको बहुत ही पसंद आ जाती है, और आप सोचते हैं कि काश मैं इस जो स्टेटस है, जो ये वीडियो है, स्टेटस में जो वीडियो है या स्टेटस में जो भी इमेज है उसको मैं डाउनलोड कर पाता। तो दोस्तों, आपके मन में जरूर ऐसा कभी होता होगा। तो आप इस केस में करते क्या होंगे, आप क्या करते होंगे, मैं बताता हूँ आपको। मैं भी करता था पहले। मुझे सपोज करिए, मुझे किसी का स्टेटस पसंद आता है तो उस पर्टिकुलर आदमी को, उस पर्टिकुलर रिश्तेदार फ्रेंड को मुझे पर्सनली एक मैसेज करना पड़ता हुआ है कि भाई साहब जी, आपने जो स्टेटस डाला है वो मेरे को सेट कर दीजिए क्योंकि मेरे को पसंद है, इन फ्यूचर मैं भी डालूंगा। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको जो ये ट्रिक बताने वाला हूँ इसमें आप जस्ट बिना ये रिक्वेस्ट किए अपने फ्रेंड से चुटकियों में, सेकेंडों में आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी गैलरी में रख सकते हैं, अपने फ़ोन में रख सकते हैं। सिर्फ सेकेंड का काम है। तो दोस्तों चलिए, तो मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए मुझे अपने फ़ोन के अंदर जाना पड़ेगा, तो चलिए मैं अपने फ़ोन के अंदर चलता हूँ। हाय फ्रेंड्स, अब मैं अपने मोबाइल के अंदर आ गया हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में जस्ट कुछ ही सेकंड में आप व्हाट्सएप पे आए हुए जो भी स्टेटस है, चाहे वो वीडियो है चाहे इमेजेस है, उसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं किस स्टेटस की बात कर रहा हूँ। तो मैं अपना यहाँ पे आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप है वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मेरा एक पर्सनल व्हाट्सएप है, मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चैट में मैं डायरेक्ट ओपन होता हूँ। आप भी अपने व्हाट्सएप को जब भी ओपन करेंगे तो आप चैट्स में ही आएंगे, साथ में आप सेंटर में जाएंगे, स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस मिल जाएगा। तो इस स्टेटस की बात कर रहा हूँ। लाइक ये देखिए, मैं कुछ आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो दोस्तों ये स्टेटस था जिसको अगर आप चाहे तो सेकंड पे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अभी आप क्या करते होंगे, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अभी आप डायरेक्टली क्या करते होंगे, आप इसको जिस पर्सन ने स्टेटस अपडेट किया है उसको आप मैसेज करते होंगे कि आपको ये स्टेटस चाहिए। फिर वो आपको इस वीडियो, ये जो वीडियो है, जो स्टेटस है, वो आपको सेट करते थे। तो अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जान के हैरानी हुई कि सारे जितने भी स्टेटस है, जो भी आप यहाँ पे देखते हैं स्टेटस, तो वो आपके जो मोबाइल फ़ोन में ही मौजूद रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको आपने हाईलाइट कैसे करना है, आपको आपकी गैलरी में वो जो स्टेटस है वो शो नहीं होते है। तो आपको शो कैसे होंगे वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस व्हाट्सएप को बंद कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने व्हाट्सएप को बंद कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो भी यहाँ पे इमेजेस डाउनलोड करते हैं, सपोज करिए मैं एक ये इमेजेस मैंने डाउनलोड की हुई है, अगर आप देखेंगे तो ये जो इमेजेस है, तो ये इमेजेस
स्टोर कहाँ पे होती है, आपके गैलरी में शो होती है, लेकिन आपके जो फाइल मैनेजर होती है, फाइल मैनेजर वो वहाँ पे स्टोर रहता है। तो आप कैसे निकालते हैं उसको, आप अपने फाइल मैनेजर में जाते हैं, माई फाइल में, उसके बाद क्या करना पड़ता है, आपको इंटरनल स्टोरेज में जाना पड़ता है। और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप के नाम से एक फोल्डर रहता है, व्हाट्सएप के फोल्डर में जाके उसमें आपको एक मीडिया का फोल्डर मिलता है, उसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपको अलग अलग फोल्डर्स मिल जाते हैं। जैसे वॉलपेपर का अलग फोल्डर मिला हुआ है आपको, इस तरह के आपको जो व्हाट्सएप इमेजेस है उसका अलग फोल्डर मिला हुआ है आपको, इसी तरीके से आपको सारे फोल्डर मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पे आपको एक व्हाट्सएप स्टेटस का फोल्डर भी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे अभी आपको शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, जो मैं आपको सेटिंग कह रहा हूँ वो आपको करनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले आपको बैक आना है, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, पहले आप सारा बैक आ जाइए अपने फ़ोन में, उसके बाद आप अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है। जैसे आप अपने फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं तो आप राइट हैंड साइड में अगर आप टॉप पे देखेंगे थ्री डॉट्स आपको नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये थ्री डॉट्स है, ये आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, साथ में आपको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, इस सेटिंग के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे मैं सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शो हाइड फोल्डर का, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो साथ में यहाँ पे एक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको आपने ऑन करना है, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों यही एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे शो हिडन फाइल्स है, इसको आपने ऑन करना है। जैसे आप इसको ऑन करते हैं उसके बाद आप बैक आ जाइए, तो आपने वहीं पे जाके देखना है जहाँ पे आपको इमेजेस वीडियोस वगैरह आपको दिखती है, वही आपने वहीं पे आपने जाना है। इंटरनल स्टोरेज ओपन करिए, यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप के नाम से एक फोल्डर होगा, आपने उसको ओपन करना है। जैसे आप व्हाट्सएप को फोल्डर को ओपन करते हैं उसके बाद आपने मीडिया में जाना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको सारे फोल्डर शो करेंगे, वहाँ पे आपको एक स्टेटस का फोल्डर भी आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे टॉप पे आपको एक स्टेटस का फोल्डर मिल चुका है, ये देखिए। तो दोस्तों ये जो आपको फोल्डर है ये आपके फ़ोन में ही रहता है, बट इसको हाइड किया होता है। तो फाइल मैनेजर में जाके आपने अनहाइड कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो ये देखिए, मैं आप जैसे स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो सारे स्टेटस यहाँ पे आपको शो करेंगे, जितने भी स्टेटस है। तो ये आपको डाउनलोड करने की जरूरत तो नहीं है, और इसमें होता क्या है कि आप जब भी उस स्टेटस को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में वो स्टोर हो जाता है, बट वो हाइड होता है, इसलिए आपको शो नहीं हो पाता है। तो आपको सेटिंग करनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये शो होने लगेगा, तो आपको बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको किसी से स्टेटस मांगना पड़ेगा कि मुझे स्टेटस प्लीज़ ये मेरे को स्टेटस पसंद है, मेरे को सेंड कर दीजिए। तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये सेटिंग करनी है। तो करना क्या है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, कुछ ही करना है, आपने अपने फ़ोन के अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है। जैसे ही आप फाइल मैनेजर में जाते हैं, ये देखिए फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप यहाँ राइट हैंड साइड पे टॉप पे आपको थ्री डॉट मिलेंगे, वहाँ जाना है, अपने सेटिंग पे जाना है, और साथ में शो हिडन फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक बार हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये देखिए शो हिडन फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसको आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने बैक आना है, बैक आने के बाद आपने सेम वहीं पे जाना है अपने व्हाट्सएप वाले फोल्डर में, और आपको जो व्हाट्सएप के स्टेटस का एक फोल्डर आपको बना हुआ मिल जाएगा मीडिया में, और वहाँ पे आपके सारे स्टेटस आपको शो हो जाएंगे, जितने भी स्टेटस आपने अभी तक व्हाट्सएप पे देखे हैं। उसको डाउनलोड करने की जो जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड ही रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है अपने स्टेटस को डाउनलोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम आती है आपके फ्रेंड्स को या आपको, तो वो प्रॉब्लम की सॉल्व हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।